रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन SST जेनिक्स क्लास। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि किस तरह से अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसके कारण इंडियंस गुस्से में थे, उनके अंदर रोष था, और 1919 में आकर रोलेट एक्ट के कारण, जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण, या कहें फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट ने एक ऐसा एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर तैयार कर दिया जिसके कारण गांधी जी को ये लगने लगा कि एक बड़ा ब्रॉड बेस मूवमेंट चलाया जा सकता है। गांधी जी इंडिया से अंग्रेजों को बाहर करने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। अपनी बुक हिंद स्वराज में कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर ब्रिटिश रूल है तो वह इंडियन के सपोर्ट के कारण है, और यह उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि 40 करोड़ लोगों के ऊपर एक छोटा सा देश कैसे कंट्रोल कर सकता है जब तक कि उस देश के लोगों का सपोर्ट उन्हें प्राप्त ना हो। और गांधी जी कहते हैं अगर इंडियन अपना ये सपोर्ट वापस ले लेते हैं और कोई सहयोग नहीं करते हैं, कोई कॉपरेशन नहीं शो करते हैं अंग्रेजों के लिए, तो विद इन 1 ईयर अंग्रेजों का रूल कोलैप्स हो जाएगा इंडिया में। और गांधी जी कहते हैं कि यह नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होना चाहिए, जो टाइटल गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं उन्हें सरेंडर करके, जो सिविल सर्विसेज है उनका बायकॉट करना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जैसे आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब आते हैं जिनका इंडियन को बायकॉट करना चाहिए, और साथ ही साथ अंग्रेजी स्कूल और विदेशी सामान को भी पूरी तरह से बाय बाय कह देना चाहिए। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए रिप्रेसिव टैक्टिस को फॉलो करती है तो एक बहुत बड़ा सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाया जाना चाहिए। इसके लिए गांधी जी और शौकत अली ने पूरे इंडिया में घूम घूम कर लोगों का सपोर्ट लेने के लिए कई सारी सभाएं की ताकि उनको पॉपुलर सपोर्ट मिल पाए। यह समझना जरूरी है कि गांधी जी के यह विचार सर्वसम्मत नहीं थे। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो गांधी जी के इस तरह के जो प्रपोजल थे उनको अपोज करते थे। 1920 के कांग्रेस सेशन में काउंसिल के इलेक्शन का जो शेड्यूल था उसका बायकॉट करने से उन्होंने इनकार कर दिया, और सितंबर से लेकर दिसंबर 1920 तक कांग्रेस के अंदर जबरदस्त तनातनी थी दोनों विचारधाराओं की, जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे और जो गांधी जी को अपोज कर रहे थे। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों पक्षों को कॉम्प्रोमाइज और या दोनों पक्ष उसके लिए सहमत हों वो बड़ा मुश्किल सा लगता था। पर एट लास्ट 1920 जो नागपुर का सेशन कांग्रेस का हुआ उसमें गांधी जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया गया और यह डिसाइड किया गया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। इस तरह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। यह मूवमेंट अभी तक चले इंडिया के जितने भी मूवमेंट थे या जितने भी सत्याग्रह थे उनसे काफी डिफरेंट था, इसका जो दायरा था वो काफी फैला हुआ था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस इन्फ्लुएंस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शहरों के अंदर और रूरल एरिया के अंदर। इसमें जो अलग अलग सेक्शन के लोग इसमें शामिल हुए थे तो उनकी इच्छा थी कि उनको स्वराज मिल जाए। गांधी जी ने वादा किया था कि अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी अंग्रेजों का तो विद इन 1 ईयर उन्हें स्वराज मिलेगा। पर यह स्वराज क्या है, अलग अलग सेक्शन के लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे थे कि उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या है, स्वराज मिलेगा तो उनको क्या मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अर्बन एरिया या टाउन्स में यह मूवमेंट किस तरह से चला। शहरी मिडिल क्लास का जो सेक्शन था उसने जम कर इसमें पार्टिसिपेट किया। उसने गवर्नमेंट के जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनको बायकॉट किया। हेडमास्टर टीचर थे उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया, और जो लॉयर थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिस करने से मना कर दिया, मतलब उसका बायकॉट किया। जो काउंसिल इलेक्शन होने थे
इस टाइम पे उसका भी बायकॉट किया गया एक्सेप्ट मद्रास को छोड़कर। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखा। उनका मानना था कि काउंसिल जो इलेक्शन होते हैं बेसिकली उसमें अपर कास्ट या ब्राह्मण अपना कब्जा कर लेते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलती हैं, उनको पॉलिटिकल पावर मिलती है। तो ये मौका है कि जब अपर कास्ट या कांग्रेस ने इसको बायकॉट कर दिया है तो उस मौके को भुनाना चाहिए कि लोअर क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर पॉलिटिकल पावर गेन कर सकें। जस्टिस पार्टी ज्यादातर लोअर क्लास से बिलोंग करती थी। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक इफेक्ट भी जबरदस्त पड़ा। फॉरेन गुड्स बेचने वाले दुकानें उनका बायकॉट किया गया, लिक्वर शॉप को पिकेटिंग किया गया, मतलब उसके आगे धरना दिया गया और लोगों को रोका गया कि वो शराब ना खरीद पाए। फॉरेन क्लोथ्स या फॉरेन जो गुड्स थे उसका बोन फायर जलाया गया। इन सब का असर यह हुआ कि 1921 और 22 के बीच में जो फॉरेन क्लोथ हमारे इंडिया में आता था उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 102 करोड़ रुपीज होती थी, जो गिरकर 57 करोड़ तक पहुंच गई। कई जगह जो मर्चेंट और ट्रेडर थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को खरीदना और बेचने से मना कर दिया, कंप्लीटली बायकॉट कर दिया। पब्लिक भी अब देसी कपड़े को नहीं पहनना चाहती थी, उन्होंने अपने देश का बना हुआ कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। इससे हमारे अपने देश का बना हुआ जो मटेरियल था उसको मार्केट मिली और हमारे लोगों को काफी बेनिफिट मिला। इस तरह से इंडियन प्रोडक्शन यूनिट थी उसमें उछाल आया। शुरुआत में ये लोगों ने इसमें जोश खरोश से पार्टिसिपेट किया, पर कुछ दिनों के बाद यह जोश ठंडा पड़ने लगा और उसका एक बड़ा कारण था खादी। जो हमारे देश का खादी था ये कंपैरेटिवली विदेशी मशीन से बने हुए और जिसमें बहुत सारे टैक्स नहीं लगे होते थे, उसके कंपेयर में हमारे खादी का जो क्लोथ था वो काफी महंगा होता था। ज्यादातर जो गरीब लोग थे उनके लिए महंगा कपड़ा खरीदना मुश्किल का कारण था। इसी तरह जोश में आकर हमने जो सरकारी इंस्टीट्यूशन थे उनको बायकॉट तो कर दिया, पर हमारे पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं था। जैसे हमने गवर्नमेंट के स्कूल को बायकॉट किया, टीचर ने रिजाइन दिया, लीगल कोर्ट थे उनको बायकॉट किया गया, पर उसकी जगह पर हमारे अपने देश का कोई स्कूल नहीं था, थे भी तो बहुत कम क्वांटिटी में थे। हमारे पास लीगल सपोर्ट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स नहीं था। इसके कारण मजबूरन पब्लिक को दोबारा से उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ा जिनका वो बायकॉट कर रहे थे। अब बात करते हैं रिबेलियन इन कंट्री साइड, मीन्स रूरल एरिया में या शहरों से दूर जो एरिया थे उनमें लोग इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे और फिजी में इंडेंचर लेबर के रूप में काम कर दिया था, वापस लौटे अवध में, जिसे हम लखनऊ कह सकते हैं। लखनऊ के आसपास का एरिया अवध के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने अवध किसान सभा बनाई और सारे किसानों को मिलकर एक मूवमेंट चलाया। उनके इस ऑर्गेनाइजेशन ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पर यह मूवमेंट किस तरह से चलाया गया? जो तालुकेदार या लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स मीन जिनके पास काफी जमीन थी और जो अपनी जमीन को रेंट पर देते थे लैंडलेस फार्मर को, या जो छोटे फार्मर होते थे उनको, और उनसे रेंट लेते थे, उनका यह मूवमेंट इन लोगों के अगेंस्ट था, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे और इनकी डिमांड थी कि वो रेंट की कॉस्ट कम कर दी जाए, बेगार को बैन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बेगार माने कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे कुछ दिन किसानों को अपने यहाँ बुलाते थे और बिना कोई पे किए हुए अपने यहाँ फ्री में काम करवाते थे। इन लैंडलेस फार्मर के जमीन पर कोई राइट्स नहीं थे, लैंडलॉर्ड की जब मर्जी आती थी वो जमीन छीन लेते थे या ज्यादा रेंट की डिमांड करते थे। तो इस प्रकार से बाबा रामचंद्र का जो मूवमेंट था वो डायरेक्टली अंग्रेजों के अगेंस्ट ना होकर लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, और इसका यह असर हुआ कि बहुत सारे इलाकों में नाई धोबी बंद, मतलब
जो काम नाई और धोबी का था, नाई धोबी लोगों ने भी बायकॉट कर दिया। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के घर पर जाकर सर्विस देने से मना कर दिया। उन्होंने बड़े अंग्रेजों के यहाँ काम करने से मना कर दिया। धोबी जो थे उन्होंने, या वॉशरमैन जो थे उन्होंने कपड़े धोने से मना कर दिया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध में पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना, किसानों के साथ बात की। अवध किसान सभा को फाउंडेड किया गया और इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। और विद इन वन मंथ इसकी 300 ब्रांचेस भी फैल चुकी थी। जब कांग्रेस ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो वो इस जो फार्मर का मूवमेंट था उसको जोड़ना चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ताकि इसको काफी बड़ा फैलाव मिल सके। हालांकि बाद में जिस तरह से ये फार्मर्स का या पीजेंट जो मूवमेंट था जिस तरह से डेवलप हुआ, उससे कांग्रेस में बहुत सारे लीडर खुश नहीं थे। यह जो मूवमेंट था वो वायलेंट हुआ। तालुकेदारों के घरों पर हमला किया गया, बाजारों को लूटा गया और बहुत सारी जगह पर जो लोकल लीडर थे वो किसानों को समझा रहे थे कि अब किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है और जब स्वराज मिलेगा तो उनको जमीन मिलेगी, जमीन में उनका हिस्सा होगा। स्टूडेंट, इस तरह से आप देखते हैं कि जो फार्मर थे स्वराज से मतलब था उनको जमीन में राइट्स मिल जाने, टैक्स कम हो जाने, इसीलिए वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी तरह का एक एग्जांपल जो थोड़ा सा अलग है वो है ट्राइबल लोगों ने क्यों इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या उनके एक्सपेक्टेशन थे इस मूवमेंट से। तो इसका एक एग्जांपल गुदेम हिल आंध्र प्रदेश से आपकी बुक में दिया गया है। और इस हिल के ऊपर जो स्वराज के लिए मूवमेंट चल रहा था वो बिल्कुल नेशनल जो मूवमेंट चल रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर गुरिल्ला वॉर को चोरी छिपकर अटैक करने जैसे हमलों से किया जा रहा था। जैसा कि आपको पता है अंग्रेजों ने इंडिया में आकर फॉरेस्ट एरिया के लिए काफी सारे रूल रेगुलेशन बनाए। उन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में। और इसमें से बड़ा जो एरिया था वो रिजर्व फॉरेस्ट का था और इसमें लोगों के एंट्री और उनको किसी भी तरह की एक्टिविटी से बैन कर दिया गया था। मतलब वो शिकार नहीं कर सकते थे, फ्यूल कलेक्ट नहीं कर सकते थे, फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकते थे और ट्राइबल लोगों की पूरी जो लाइफ थी, उनका जो पूरा लाइफ सर्कल था वो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंड था। अब फॉरेस्ट क्लोज हो गया तो उनकी जो लाइफ थी वो बुरी तरह से अफेक्टेड हुई थी। देखिए उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है। उनके लिए मतलब है कि उनको जंगल के अंदर एंटर करने दिया जाएगा और वो फॉरेस्ट को जिस प्रकार से पहले यूज करते थे उसी तरह से यूज कर पाएंगे। अंग्रेज जिस तरह से उनसे फोर्सफुली काम करवा रहे थे, जिसको बेगार प्रथा के नाम से जाना जाता है, वो बेगार जो सिस्टम था वो खत्म हो जाएगा। अंग्रेज लोग गुडेम हिल में रोड बनाना चाहते थे फॉरेस्ट के बीच में से और इसके लिए उन्हें लेबर की जरूरत थी और वो ट्राइबल पीपल को फोर्सफुली, जिसे हम बेगार कहते हैं, बेगार करवाकर इस रोड को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते थे। पर जो आदिवासी या ट्राइबल पीपल थे उन्होंने इसके खिलाफ अल्लोरी सीताराम राजू के लीडरशिप में रिवोल्ट कर दिया और रिवोल्ट के बाद उन्होंने जो तरीका अपनाया जिसे हम कहते हैं गुरिल्ला वॉर। अल्लोरी सीताराम राजू के बारे में यह माना जाता था कि उनके पास बहुत सारे स्पेशल पावर हैं। वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो हीलिंग है वो कर सकते हैं और साथ में कोई भी बुलेट उनको मार नहीं सकती और उनके फॉलोअर ये मानते थे कि वो भगवान का अवतार हैं। अल्लोरी सीताराम राजू भी गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने लोगों को कहा कि वो भी खादी पहने। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वो ड्रिंकिंग छोड़ दें पर साथ में गांधी जी के नॉन वायलेंट तरीके पर भी उनको भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है तो इसके लिए वायलेंस का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने इलाके में जो पुलिस स्टेशन थे उसके ऊपर अटैक किए और काफी सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उनका मर्डर भी किया गया। 1924 तक आते आते अंग्रेजों ने अल्लोरी सीताराम राजू को पकड़ लिया और उनको मृत्युदंड दे दिया गया।
इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो ट्राइबल लीडर था उसका खत्म हो जाना, इस तरह से हमने देखा कि एक ट्राइबल जो हीरो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और खत्म हो जाता है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो मूवमेंट था वो दूर दराज के इलाकों में फैला हुआ था, चाहे वो किसानों के रूप में हो या ट्राइबल एरिया के रूप में हो, स्पेशली मैं जो है असम वगैरह की बात करूँगा, वहाँ किस तरह से स्वराज का आइडिया पहुँचा और उन लोगों ने उस स्वराज के आइडिया का जो मीनिंग था अपने तरीके से क्या लिया, वो क्या समझे, क्या था स्वराज। तो इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम, और फ्रीडम किस चीज से, कि वो जो एंडेंचर्ड लेबर की फॉर्म में या किस तरह से कह सकते हैं बॉन्डेड लेबर की फॉर्म में अपने प्लांटेशन एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, वहां से बाहर जाने की आजादी। वो लोग अपने घर नहीं जा सकते थे, उनको घर जाने की आजादी। अंग्रेजों के कानून के अनुसार जिसे हम कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, उसमें जो लोग प्लांटेशन एरिया में लेबर बन जाते थे वो अपने घर नहीं जा सकते थे। और जैसे ही गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मैसेज या खबर उन तक पहुंची तो हजारों की तादाद में इन लोगों ने अथॉरिटी को अनसुना करते हुए अपने घरों की तरफ निकल पड़े। उनका मानना था कि गांधी राज आने वाला है और जब गांधी राज आएगा तो सभी को उनके घरों में पहुंचकर उनके गांव में जमीन का टुकड़ा मिलेगा और जिस जमीन के टुकड़े में वो खेतीबाड़ी करके बाकी के जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। असम में ये जो प्लांटेशन लेबर थे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे। जब ये अपने प्लांटेशन एरिया से निकले और वहाँ से आने का तरीका जो था वो था रेलवे, पर दुर्भाग्य से पूरे हिंदुस्तान में जो स्ट्राइक चल रही थी उससे रेल गाड़ियाँ पूरी तरह से बंद थी और ये प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। बाद में पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा, बर्बरता का व्यवहार किया, पीटा गया इनको और दोबारा से वापस इनको इनके बागानों में भेज दिया गया। तो स्टूडेंट इस तरह से जो तीन एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ये देखिए ये एग्जाम्पल थे जो कांग्रेस के प्रोग्राम से मैच नहीं करती है। ये अलग अलग अपने आप को डिफाइन करते हैं और अपने तरीके से मूवमेंट चलाते हैं, पर एक बात जो है हमें समझने होगी कि जब भी ये लोग अपने डिमांड को सामने रखते थे तो ये गांधी जी के नाम पर रखा गया और सारे लोग केवल एक ही स्लोगन कह रहे थे, स्वराज स्वतंत्र भारत। और जब ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे थे तो उनका पर्सपेक्टिव केवल पर्सनल नहीं होता था, वो पूरे इंडिया का एक पार्ट थे और वो अपने मूवमेंट को कांग्रेस के एक मूवमेंट का पार्ट के फॉर्म में देख रहे थे। वो अपना मूवमेंट इस तरह से नहीं चला रहे थे कि उनका मूवमेंट इंडिविजुअल है, और वो अपने मूवमेंट को इस तरह के एक मूवमेंट के रूप में देख रहे थे कि वो केवल उनका मूवमेंट नहीं है, वो पूरे इंडिया का मूवमेंट है। ये समझने की जरूरत है। इस तरह से धीरे धीरे जो हमारे अंदर नेशनलिज्म पनप रहा था उसको समझने की जरूरत है। सो स्टूडेंट इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वंस अगेन आई विल कम विद अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।